नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। आज मैं बात करूंगा कोविड के थर्ड वेव की। क्या हमारे देश में एक और वेव आ सकता है कोविड का? और आप सोचिए कि हमने जब पहला वेव, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था, चला गया तो कुछ महीनों तक लगा कि हमारे देश में कोविड खत्म हो गई है। और सरकार ने तो ऐलान ही कर दिया कि भारत का जो कोविड के साथ भारत ने जिस तरीके से जूझा है, बिल्कुल हमने कोविड को ख़त्म कर दिया, बाकी देशों से बहुत अच्छा कर दिया। और उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, सेकंड वेव आया और कितना एक तरीके से डेडली सेकंड वेव था। कितने लोगों की मौत हुई है, कितनी तेज़ी से फैला है, कितने लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा है, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों को हाथ में रोज़गार नहीं रहा और साथ में बहुत सारा खर्चा हुआ, मेडिकल खर्चा। तो अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा एक थर्ड वेव के लिए। क्या ऐसा थर्ड वेव भी आ सकता है और अगर आ सकता है तो क्यों, इसी का हिसाब लगाएंगे आज इकोनॉमी का हिसाब किताब में। क्योंकि इकोनॉमी तभी चलेगी जब लोगों के पास जान है, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, इकोनॉमी पटरी पर तभी आएगी जब ये सेकेंड वेव खत्म होगा। फिर से फैक्ट्रियां खुलेंगी, ऑफिसें खुलेंगी, लोग दुकानों में जाएंगे, चीजें खरीदेंगे, ऑफिस जाएंगे तो आसपास से छोटे मोटे जो चाय का दुकान है या कहीं पे गाड़ी मैकेनिक का काम है, ये सब काम फिर से वापस आएगा। लोग घर में पेंटिंग करवाएंगे, कारपेंटर बुलाएंगे, काम करवाएंगे, इलेक्ट्रिशियन बुलाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, तभी इकोनॉमी वापस पटरी पर जाएगी। और ये पटरी पर जाने के लिए सबसे ज़रूरी इस वक्त है कि ये जो सेकेंड वेव है वो ख़त्म हो और उसके बाद हम ऐसा करें कि अगर फिर से एक थर्ड वेव आए कोविड का तो उससे सब कुछ बंद ना हो जाए। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये म्यूटेट होता है। म्यूटेट होने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप सोच लीजिए कि एक आलू का पराठा है ना, आलू के पराठे में कोई अजवाइन डालते हैं, कोई ज़ीरा डालते हैं, कोई प्याज के साथ बनाते हैं तो कोई बिना प्याज के बनाते हैं। तो ये जो आलू का पराठा ही है, एक में प्याज है तो एक में ज़ीरा है, एक में प्याज नहीं है तो अजवाइन है। तो इस टाइप के अलग 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 के पराठे तो है, लेकिन जो चीज़ है वो सेम है। तो एक हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके के कोरोना वायरस जो हैं SARS-CoV-2 वो आ रहे। क्यों, इसको कहा जाता है म्यूटेशन, वो थोड़ा सा बदल रहा है। और हमारे अगर आप नेचर की बात करें, हमारे आस पास वातावरण में हर वक्त वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं और वो लगातार म्यूटेट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। और जो वायरस, जो म्यूटेशन हमारे शरीर के अंदर जाकर अपने आप को जीवित रख सकता है, अपने जैसे और भी वायरस पैदा कर सकता है, वो सबसे फिट है ना। बाकी अगर हमारे अंदर आए और हम उसको तुरंत निकाल दें शरीर से, वो मर जाए हमारे शरीर के अंदर, तो वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर से अपने तरीके का नहीं बना पाएगा। यानी वही म्यूटेशन रहता है जो सर्वाइव करता है, इसको कहा जा सकता है एक तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे अच्छा हमारे अंदर आकर, हमारे अंदर बैठकर अपने जैसे और बना सकता है, उसी को वही सर्वाइव करता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हमारे घर में कोई चोर आ गया, हाँ, चोर ने आकर हमारे घर में कब्जा कर लिया, हम लोगों को बंधक बना लिया और क्या हुआ, अपने जैसे अपने घर वालों को बुला लिया, अपने जैसे और भी लोगों को घर में बिठा लिया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग बंधक है, लेकिन हम धीरे धीरे कुछ डंडे निकाल कर उससे लाठी बना रहे हैं या किचन से चाकू लेकर उसको कर रहे हैं, तो हम अपने लिए एक डिफेंस पैदा कर रहे हैं चोरों के साथ लड़ने के लिए। धीरे धीरे क्या होता है, घर के लोग चोरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको लड़के भगा देते हैं। कभी कभी इस लड़ाई में क्या होता है कि घर के लोग मारे जाते हैं, यानी कि बॉडी ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से वायरस आता है तो हमारे शरीर के अंदर जितने एंटीबॉडी नए तैयार होते हैं इस वायरस से लड़ने के लिए, उसको मार कर निकालने के लिए, वो अगर कम हो, अगर वो लड़ ना पाए तो आदमी मर जाता है, सीधी बात है। और अगर वो अच्छी तरह से पनप जाए तो वो निकाल देता है वायरस को और कुछ दिनों बाद शरीर वापस ठीक हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर
एक बार आपके अंदर एंटीबॉडी आ जाए, चाहे आप पहले इन्फेक्ट हुए थे इसलिए या आपको वैक्सीन दिया जाए, एक बार आपके अंदर आ जाए तो क्या होगा, अगली बार जब ये चोर आपके घर में घुसेगा तो आपके पास पहले से ही अस्त्र शस्त्र होंगे, पहले से ही अलार्म लगा होगा कि वो आए तो आप जल्द से उसको निकाल सके। आपके ऊपर उतना ज़्यादा चोरी नहीं हो सकती, आपके ऊपर अटैक भी नहीं हो सकता। अब आप सोचिए कि अगर एक घर में या एक कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, हाँ, एक चोर आता है और वो देखता है कि सभी घरों में मैं जाकर चोरी कर सकता हूँ, जो जितनी तेज़ी से चोरी करके निकाल के ले जा सकता है, अंदर से सब कुछ सामान ले जा सकता है। अब क्या होता है कि वैक्सीन होने के कारण या हर एक घर में लोग डिफेंस पैदा कर लेते हैं, अलार्म लगा लेते हैं, ये सब करते हैं, तो चोर धीरे धीरे कहीं से चोरी नहीं कर पाता और बोलता है यार छोड़ो, इस जगह से निकल जाओ कि यहाँ पे चोरी करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में ये अलार्म लग गया या मैं पहले से ही चोरी करके वहाँ का जो सिस्टम है उसको बदल चुका हूँ, है ना। तो यही होता है कि एक वायरस जब आता है धीरे धीरे वो स्प्रेड करता है और उसके बाद पूरे जो कम्युनिटी है उसमें एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं और फिर वो वायरस और किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने आलू का पराठा कहा कि आलू का पराठा अगर जीरे वाला बन रहा है, अचानक अजवाइन वाला आलू का पराठा हो गया और आपके सामने आप आलू का पराठा जीरे वाला है, आप मोटे हो गए हैं, आप कहते हैं कि यार ये तो खाना नहीं है, अब मज़ा नहीं आता इसे, अजवाइन वाला आता है तो आपके अचानक आपको लालच होता है और आप वो खा लेते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आप सोचिए कि म्यूटेशन हुआ है वायरस का, तो वो वायरस जब अंदर आपके आता है आपके एंटीबॉडी उसको पहचान नहीं पाते कि ये वायरस है, क्योंकि वो वायरस थोड़ा सा बदल गया है, तो वो फिर से आपको इन्फेक्ट करता है, आपको करता है, साथ वाले को करता है, ऐसे करते करते जाता है, हाँ। तो ये म्यूटेशन बहुत एक खतरनाक चीज़ है इस कोरोना वायरस के महामारी में। इसी के लिए कहा जा रहा है कि अगर सबको वैक्सीन ना हो, अगर इम्यूनिटी ज़्यादा ना हो लोगों में, तो ये थर्ड वेव आ सकता है। ऐसे थर्ड वेव में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि पहले दो वेव में बच्चों को उतना अटैक नहीं हुआ, अगला म्यूटेशन जो हो सकता है बच्चों पर हो। तो कहा जा रहा है कि इस वक्त जो भी हमारे अगले कुछ महीनों में हमें बच्चों के लिए तैयार करना पड़ेगा, हॉस्पिटल बेड तैयार करना पड़ेगा, उनको अगर अफेक्ट हो तो उनके लिए स्पेशल पीडियाट्रिक जिसको कहते हैं बच्चों के डॉक्टर, कोरोना के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि बच्चों को क्या क्या दिया जा सकता है। जैसे आप देखिए कि स्टेरॉयड वगैरह जो एडल्ट्स को दिया जाता है या बहुत एक हार्ड स्ट्रांग मेडिसिन अडल्ट को दिया जाता है बालिकों को, वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता। तो ये सब चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा थर्ड वेव के लिए। हो सकता है थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमको तैयार होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ऑक्सीजन बेड बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आज लोग बोलेंगे अरे इतने सारे ऑक्सीजन बेड खाली पड़े हुए हैं, क्या ज़रूरत था, ज़रूरत है, क्योंकि हर साल ये कोरोना वापस आ सकता है, हर साल थोड़ा सा अपना रंग बदल कर आ सकता है, कोई दूसरा वायरस उसी तरीके का आ सकता है म्यूटेट होके, जो हमारे एंटीबॉडी हमारे वैक्सीन के साइड से निकलकर हमें फिर से घुस सकता है, अटैक कर सकता है। इसलिए ऑक्सीजन बेड हमें रखना पड़ेगा, हमें एक पूरा ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है उससे तैयार रहना पड़ेगा, ज़्यादा हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल में बदलना पड़ेगा, डॉक्टर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा, सिर्फ इस साल के नहीं अगले कई सालों तक, क्योंकि जब भी कोई नया वायरस आता है जैसे आप जानते हैं स्वाइन फ्लू H1N1 वो कुछ सालों तक चलता है जब तक बहुत लोगों को अटैक नहीं कर लेता है। हाँ कभी कभी एक साल आकर गायब भी हो जाता है, ये भी होता है, फिर हम लकी हैं, लेकिन हमें अभी अपने लक पर डिपेंड ना करके तैयार होना है थर्ड वेव के लिए, चाहे वो आए ना आए, खुदा ना खास्ता ना आए, लेकिन फिर भी तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो फिर से फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी, फिर से लोगों को काम पे जाने से रोकना पड़ेगा, फिर से इकोनॉमी पटरी से उतर जाएगी।